Hello friends, welcome back to my channel. मैं हूँ टिस्ता, सभी को मेरी प्यार भरी नमस्ते. आज मैं ले आया हूँ अपराजिता प्लांट. अपराजिता प्लांट एक आयुर्वेदिक प्लांट है. अपराजिता प्लांट से बहुत तरह से मेडिसिन बनती है. एक बार आपकी गार्डन में लगाने से सालों साल तक रहेगी. जो प्लांट आपके घर में घर के लिए बहुत शुभ माना जाएगी, इसीलिए आप अपराजिता ग्रो करना चाहिए आपके गार्डन में. क्योंकि माना जाती, मैं जानती हूँ अपराजिता प्लांट लगाने से शनि दूर रहती है, इसीलिए आपका घर में अपराजिता, आपके घर की फ्रंट साइड में अपराजिता प्लांट ग्रो करके रखिए, जिस प्लांट से आपका गुड लक हो सकती है. मैं आशा करती हूँ आपके लिए गुड लक जरूर होगी. अपराजिता फ्लावर एक चमत्कारी प्लांट है. आज हम अपराजिता पुष्प के बारे में कुछ बातें आप लोगों से शेयर कर रही हूँ. इस प्लांट एक अत्यंत चमत्कारी जड़ी बूटी है. इस लता भारतवर्ष सभी जगहों में मिलती है. आप कहीं भी मिल जाए तो जरूर संग्रह कीजिए. जो प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ वो डबल कलर अपराजिता है. मेरे पास अभी नीले वाला अपराजिता ही है. सफ़ेद वाला अपराजिता मैं उसका बीज संग्रह करके रखा हूँ, लेकिन अभी तक ग्रो नहीं किया है. अपराजिता फ्लावर सिंगल भी रहती है और डबल कलर में भी मिलती है. मेरे पास जो दोनों है, सिंगल वाला और डबल वाला. अपराजिता दो कलर की होती है. सफ़ेद वाला पुष्पों को विष्णुकांडा और नीले वाला फ्लावर को कृष्णकांडा कहती है. अपराजिता बीज देखने में मटर जैसी, जो खाने वाला सब्जी मटर, उसका अपराजिता बीज उसका उस जैसी देखती है, मटर जैसी देखती है इस, और उसका अंदर ही आपको बहुत सारा बीज मिल सकती है. नीले वाले फूलों से अलग अलग व्यंजन बनाने में यूज़ करती है. अपराजिता प्लांट आप फेब्रुअरी मार्च में आप बीज से लगाइए, बहुत जल्द ग्रो होती है, बहुत जल्द उसका बीज उगेगी. आप कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आसानी से ग्रो कर सकती है. जून जुलाई अगस्त से बहुत सारा फूल स्टार्ट होती है और सालों साल तक आपकी उसका फूल मिलेगी, फ्लावरिंग होती रहती है. लेकिन प्लांट ओल हो जाने से प्लांट कुछ ख़राब हो जाती है, इसीलिए आप नेक्स्ट ईयर फिर न्यू प्लांट ग्रो कीजिए. आसानी से उसका बीज आपको मिलेगी. एक बार आपके गार्डन में लगाने से आपको सालों तक आपके पास रहेगी, कोई भी दिक्कत नहीं है. इसीलिए आप नेक्स्ट ईयर फिर एक न्यू प्लांट लगा के रखिए और कोई भी फंगस से उसको बचा के रखिए और उसका हेल्थ भी ठीक रहेगी न्यू प्लांट लगाने से. इसीलिए आप न्यू प्लांट, नेक्स्ट ईयर न्यू प्लांट लगाना चाहिए. मैं पॉट में भी लगा के रखा हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ. आप ग्राउंड में भी, आप ज़मीन में लगा के रखिए. आपके पास ज़मीन है तो ज़मीन में लगाइए, नहीं है तो आप पॉट में उसको लगा के रखिए और घर की फ्रंट साइड में उसको रखिए. अपराजिता फ्लावर आप
शिव पूजा के लिए आप यूज कर सकती है। पूजा के लिए बहुत ही फायदा, मन बहुत ही अच्छे है आपके आपके पूजा में देने से। आप विष्णु पूजा कर सकती है और नीले फलों से शिव पूजा कर सकती है, जो आपके लिए शुभ होगी। आप आसानी से उसका बीज से ग्रो कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी टू ग्रो। सालों साल तक आपको फूल मिलेगी, लेकिन सिर्फ ओल्ड प्लांट को आप नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं रखना चाहिए, फिर न्यू प्लांट ग्रो कीजिए। मैं आपको दिखा रही हूँ जो अपराजिता प्लांट सिंगल है, मैं वो दिखा रही हूँ जो ज़मीन में मैं ग्रो करके रखा हूँ। पॉट में भी मैं लगा के रखा हूँ। आपकी टेरिस्ट गार्डन है तो उसमें भी आप लगा सकती है, पॉट में लगा के रखिए। सिंगल वाला अपराजिता, अपराजिता प्लांट की लीव्स, पत्ते, फ्लावर, उसका रूट सभी मेडिसिन के लिए यूज़ होती है। मैं भी कुछ मेडिसिन मैं जानती हूँ, उसकी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है। मैं आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को। आज के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।